अब ये देखो कितने मजेदार से बाल रोल हो गए। नजर आ रहे? मुझे भी पीछे नजर नहीं आ रहा। खैर ये देखो ये बाल, अब इनको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यार आज मेरे पास ना कुछ भी नहीं था ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मेरी डेली लाइफ इतनी एंटरटेनिंग नहीं है जितनी आप लोगों ने समझी हुई है, स्पेशली स्नैपचैट पर। उनको तो लगता है कि मैं रोज ट्रैवलिंग करती हूँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर रहते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। तो भाई आज का सीन कुछ यूँ है कि मैंने कहा यार, मैंने आपको जो लॉन्ग हेयर पे एक दफ़ा कर्ल्स करना सिखाया था, अभी मैंने शॉर्ट हेयर है, मेरे हिसाब से शॉर्ट ही है, यहाँ तक शॉर्ट ही होते हैं। खैर अभी मैं आपको बताऊंगी इसको आपने कर्ल्स कैसे करना, आप बिना हेयर से प्रे करना, या आपके बाल 2 से 3 दिन कैसे चल सकते हैं अगर आपने चलाने हो। वरना मतलब जैसे 2 दिन होता है कि यार बाल चल रहे हैं, तो कैसे चलाना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, पूरी वीडियो देखना समझ आ जाएगा, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। तो स्ट्रेटनर मैंने ना एटलीस्ट कोई 5 मिनट पहले ना चला के छोड़ दिया था, और इसका स्ट्रेटनर है। ऐसे क्या क्या दिखाते हैं, अरे मेरा हाथ ना जल जाए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटनर है। तो पहले आपने अपने बालों को ना अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड से अच्छी तरह कर लिया। ठीक है, अब इतने सारे साइड्स जैसे मैंने निकाली हुई, या आप लोगों ने साइड्स निकाल लेनी, वो कोई मसला नहीं है, बाद में कर लो, पहले कर लो कोई मसला नहीं। जैसे होता नहीं स्टार्ट वाले बाल, जैसे ये किसी ने ऐसे रखने होते हैं, मैं भी जैसे रखती हूँ। तो आई जस्ट डू दैट कि मैं लेके ना इसको यहाँ पिन अप कर देती हूँ। ओ माय गॉड, पिन। इस वीडियो को ना स्टॉप किए बगैर आज मैंने ना बनाना है, चैलेंज है मेरा, जो कि नॉट पॉसिबल है। खैर यार अभी मेरा स्ट्रेटनर बहुत अच्छे से गर्म हो गया, अब थोड़े से बाल अपने आगे ले लेते हैं। और आपने स्टार्टिंग के ये हेयर्स ले लिए, साथ साथ ना इनका आपने ब्रश करते रहना। ठीक है, कि आपके अगर तो स्ट्रेट नहीं है ना, तो साथ स्ट्रेट भी कर लेना, इतना टाइम नहीं लगता साथ स्ट्रेट करना। अब तो जैसे मेरे स्ट्रेट है ना, तो जस्ट स्ट्रेटनर को ऐसे लिया, इस तरह करना। ठीक है, और इस तरीके से रोल करना। अभी जैसे आप पार्टी वेयर पर अगर जाने वक्त करना है, अभी मैं आपको वो सिखा रही हूँ बस। ठीक है, आपने इसको सिंपली ऐसे करते रहना, करते रहना, और देन आपने इस तरह ला के छोड़ देना। हो गया है? ठीक है, अभी ऐसा ही हुआ। अभी इसको देखना, अभी ना करना ऐसे क्यों हो गया है और वैसे क्यों नहीं हुआ। और आपने बहुत थोड़े थोड़े अपने बाल लेना, ज़्यादा अगर लोगे ना तो जो मैं सिखा रही हूँ ना वो नहीं आपसे होगा। ठीक है, इतने इतने बाल लेना। आप कहोगे इतने इतने बाल, इतने बाल में तो घंटा लगेगा, मतलब अगर मेरे शॉर्ट हेयर है ना तो मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। मैं बेवकूफ़ कैमरे में देख के बना रही हूँ, फिर से बाल भी जलाऊंगी और ये भी जलाऊंगी। ठीक है, ये जस्ट आपने इसको ऐसे छोड़ देना। ये भी आपको ऐसे लग रहे होंगे कुछ कर्ल्स नहीं हुए, कुछ हो गए हैं, ये भी मैं इनमें आपको जब ट्रिक बताऊंगी ना, आपको कहोगे वाह। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत कम कम बाल ले रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगे ना तो सही नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट ऐसे ही करते रहना आपने। मैंने आज टाइम लैप भी नहीं चलाना, आज मैंने कहा ऐसे ही आपको बना के दिखाऊं कि कैसे करते हैं कर्ल्स। अब आप लोगों ने सेक्शंस मैंने बनाए हैं ना, एक जैसे अपर वाला सेक्शन लेना, एक नीचे वाला लेना, तो बड़ा इजी हो जाता है। सेक्शंस अगर आपको बनाने आ जाए ना, फिर आपके मोजे हैं गाइस, मोजे। अगर तो आपको वैसे समझ आ गए तो ये मैं आपको टाइम लैप भी करके दिखा देती हूँ, वरना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी।
ये मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि थोड़े से कर्ल्स रहें, जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे आपने कर, अब तक देखो कितने अच्छे कर्ल्स हो रहे हैं। ओहो चलो भाई, ये हमारे कहीं से बाल आ गए, मेरे ख्याल से जो मैंने बाल ऊपर किया था ना ये नीचे से निकल गया। सिंपली आपने इसको ऐसे करते जाना, और जो बहुत कम बाल होंगे ना उनको आपने बहुत 2 या 3 सेकंड के लिए लेना, वरना तो इतना ज़्यादा रोल हो जाएंगे वो फिर अच्छा नहीं लगेंगे। 5 मिनट हो गए तकरीबन, मेरे 15 मिनट में ना बाल रोल हो जाते हैं, मतलब हाँ एग्जैक्टली। गर्मी का मौसम है ऐसा, मुझे शदीद किस्म की गर्मी लग रही है। मास्क ऊपर से, ये स्ट्रेटनर की गर्मी अल्लाह माफ कर है। लेकिन मैं कहा आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बन जाएगा, वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो नहीं, फिर भी देखो, मेहनत मेहनत मेहनत। ओहो ये तो हुए नहीं, ये जैसे अगर आपके साथ हो जाए ना ठीक है, तो इनको फिर आपने दूसरे तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बाल आपके ना बीच में से ढीठ भी होते हैं ठीक है, जो कि आपको तंग करते हैं। आप लोगों ने अपने स्ट्रेटनर के हिसाब से देखना है ऐसे बाल रखते हुए हो गए, कि ज़्यादा देर नहीं रखते वरना इतने हीटअप हो जाएंगे जल देंगे बाल ठीक है गाइस। सिंपल सेक्शंस बनाने, एक तो मेरे हर कुर्ते ना ऊपर पता नहीं क्यों चले जाते हैं, सिंपली सेक्शन बनाते रहना है और बाल को कर्ल्स करते रहना है। और जब आप लोगों ने इस तरीके से करना है ना तो आपने बहुत इसको आराम आराम से छोड़ना है, जल्दी नहीं, अगर जल्दी छोड़ोगे तो बाल बहुत जल्दी खुल जाएंगे। हो गए हमें बाल ना ऊपर से छोटे हैं नीचे से लंबे, तो इस वजह से मुझे बहुत, ये देखो कितने अच्छे कर्ल्स हो, हम यहाँ से करते हैं ऐसे, मैं अपने सारे बाल उसी साइड से करती हूँ, मैंने कभी जिंदगी साइड से बाल नहीं किए कर्ल, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे सुटे। अब मैं बालों को इस तरीके से छोड़ नहीं सकती, देखा कर्ल्स हो गए सिंपली, कितना आसान तरीका था। अब अगर आपको इतना आसान तरीका भी ना है ना तो यार बड़ी गलत बात है। मुझे लग रहा है आज काफी टाइम लग जाएगा इसको कर्ल होने में, शायद बाल लंबे हो गए इस वजह से इतना टाइम लगे, कुछ भी पॉसिबल है यार ये। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं नीचे नीचे से कर रही हूँ, आप लोगों ने बहुत बेसिक नीचे से ही करना है इनको, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कैजुअल है, ये नहीं कि आपने शादी पे जाने वक्त वाले कर बता रही हूँ वैसे करना है, बिल्कुल भी आदत नहीं है साइड से ना बाल रोल करने की। ओ तो आप लोगों ने, अब पता नहीं कौन से कर्ल हेयर भी इसमें आ गया, को बाद में फिर से हो जाएगा कर्ल। स्ट्रेटनर को ना अपने फुल हीट पर रखना है ठीक है, अगर लो हीट पर रखोगे ना तो फिर फायदा नहीं है। तो मैं अब आपको ना थोड़े से करके फिर आपको दिखाती हूँ, मेरी साइड थोड़ी सी रह गई है बस क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो यार हमारे तकरीबन बाल हो गए थे ये भी और ये सारे भी ठीक है, तो मैंने कहा अब ये 2 साइड्स रहती हैं ये मैं आपके साथ कर लेती हूँ,
आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा, अगर आ गया तो वीडियो भी देख लो। और सारी वीडियो देखोगे तो समझ आएगा ना कि मैंने कैसे बाल कर्ल्स किए। बहुत आसान तरीका यार, वीडियो देखो फौरन समझ आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है ये। जो आप पार्लर में जाके 1500-1500 2000 देते हो ना, ये आप खुद भी कर सकते हो। बस थोड़ी सी ना स्किल चाहिए होती है, मतलब घर में करते रहो। मुझे भी, मैंने भी खुद ही सीखा ना, घर में करते रहो, एक दो दफा करो खुद ही हो जाएगा। ये देखो अब कितने अच्छे कर्ल्स हो गए हैं। यही पार्लर वाली भी करती है ना, और वो क्या करती है आपके बालों के साथ? पार्लर वाली बाजियों का बिजनेस ठप हो रहा है मेरी तरफ। हाँ कोई नहीं यार, जो अपने 1500-2000 लगाना है वही आप कहीं अच्छी जगह खा पी सकते। ये बात नहीं है कि मैं वैसे ही कह रही हूँ कि हमारे पास तो पैसे हैं। हमें यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे, ठीक है भैया आप लोगों के पास पैसे हैं वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ घर में खुद कर सकते हो तो क्यों नहीं। मैं कहती हूँ क्यों नहीं, वो आपके बालों के स्प्रे कर करके बेड़ा तक भी करती हैं। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल ना, अब जब ये आपने बीच वाले बाल लिए थे ना, अब इनको आपने हल्का सा ना, एक ये स्ट्रेटनर में नहीं आता, सबसे बड़ा मसला ये हो गए कर्ल्स, ये स्ट्रेटनर में नहीं आते, वरना तो ये बहुत इजी वे है। स्ट्रेटनर में लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये देखो एक मिनट हम दरवाजा खोल के। तो भाई मैं अपना चैलेंज हार ही गई हूँ घर में, और आप दरवाजा अगर लॉक कर लो तो ओफ अल्लाह पता नहीं क्या हो जाएगा सबको। खैर भाई मेरे को काम था इसलिए आया था, वरना वैसे डिस्टर्ब नहीं करता। ये देखो, ये जो मैंने आपको साइड वाली भी दिखाई थी, लेकिन अब ये देखो कितने मजेदार से बाल रोल हो गए, नजर आ रहे मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। खैर ये देखो ये बाल, अब इनको आपने 2 दिन तक कैसे रख सकते। अब आप कहोगे इतनी मेहनत की है तो इस मेहनत को ख़राब तो नहीं करना, भाई बारिश वाला मौसम भी है, तो अब इस मेहनत को ना हम करने लगे ब्रश, ठीक है। ये देखो अच्छी तरीके से ना, अच्छी तरह से आपने इनको ब्रश कर लेना, अच्छी तरह जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो ना उतनी अच्छे तरीके से करना, ठीक है। अच्छी तरीके से करके ना अभी दोनों साइड मैंने ना अच्छी तरीके से ब्रश कर ली है, ठीक है। अब ये देखना, अब और मजेदार से कर्ल्स हो गए, देखो ये देखो हुआ है ना मजेदार से कर्ल्स। और मैं आपको बताऊं ये इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ अभी इधर ही आपके साथ, साइड्स पे देखना अपनी गाइस, इतने कमाल के हेयर्स लगते हैं ना। ये देखो आई एम लुकिंग सो क्यूट। खैर ये देखो, ये अब आपको यहाँ पे ना फ्रिजी फ्रिजी से भी लग रहे हैं, लेकिन अब जब इसको आप लहदा करोगे ना, ये देखो, और ये मेरे कम से कम ना बिना हेयर स्प्रे के ना 2 से 3 दिन चल जाते हैं, अगर मैं चलाना चाहूँ। वैसे 2-3 तो मैक्सिमम चल ही जाते हैं, आप खुद देखो। यही बाल जाके आप पार्लर में रोल करवाते हो और वहाँ पे हेयर स्प्रे कर करके आपके बाल खराब करते हैं। तो मैं तो पार्लर से कभी जिंदगी, सिर्फ अगर करवाने हो ये तो नो ब्रो। ये देखो आई जस्ट लव इट, इतने अच्छे हैं। आप एक क्लोजअप से देखो, अब मैंने हेयर स्प्रे भी नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने बालों को सिंपल सा ना वो किया, ब्रश किया। ये देख सकते हो कितना अच्छे कर्ल्स हैं, और बाकी सारे कर्ल्स भी ऐसे ही हैं, ये नहीं कि मैं आपको एक फ्रंट वाला दिखा रही हूँ। देखो ये जो मैंने आपको कहा था आपने नीचे से हल्के हल्के करने हैं ना, सही रोल प्रो। तो भाई अगर तो आपको मेरे कर्ल्स पसंद आए हों तो मेरे चैनल को कर दो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दो नेक्स्ट अपडेट के लिए। और रुको आपको मिरर में दिखाती हूँ ये हेयर्स। वेट
तो यार मैं आपको कहने लगी थी, मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनर सेट किया हुआ था। ये हमारा था सेटअप BTS। मैं आपको BTS भी दिखाती हूँ। अभी BTS को मैं साइड पे करूँगी तो फिर आपको मैं अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ। सही गलत तरीके से BTS सेट हुआ है। यार कुछ तोड़े बगैर मैं कर लूँ। ये देखो माय हेयर आफ्टर दिस दिस। अब शीशे में देख के मुझे और मजा आ रहा है। कितने अच्छे गर्ल्स हो मैं यार। तो भाई अब अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।